बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर HDP जेनेटिक्स के अपने चैप्टर नंबर जो लिंकेज है, सेल घनता है, वो अपने पढ़ रहे थे। तो आज उसको अपने नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। तो अपने पढ़ा था सेल घनता, इंग्लिश में इसे कहते हैं लिंकेज। देखो बच्चों, किताबी भाषा है वो आपको समझने के लिए पढ़नी पड़ेगी, लेकिन उसमें जो मेन पॉइंट आता है वो हमेशा अपने दिमाग में रहना चाहिए, तो ताकि वो जो टर्म है अपने भूलते नहीं है। यहाँ पे आ गया लिंकेज सह लगनता। तो सह का मतलब साथ, लगनता का मतलब लगना। अब क्या लगना वो अपने आगे बढ़ते हैं, यानी कि गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं। वो जीन साथ साथ अगली पीढ़ी, फिर उससे आगे पीढ़ी की तरफ इस तरह से गमन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। और क्या कहते हैं? सहलग्नता कहते हैं। तो सहलग्नता का मतलब क्या है? ये जो गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं उनका साथ साथ पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होना ही क्या है? सहलग्नता है। तो सहलग्नता से क्या होता है? जो गुण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी समान गुण है। जैसे माता पिता में जो गुण है वो अगली पीढ़ी में गए, उनके एक जैसे गुण फिर आगे गए। लेकिन बच्चों एक बात और ध्यान रखने वाली है कि कभी भी 100% ये नहीं है कि सभी जो गुणसूत्र है जीन है वो सहलग्नता दर्शाते हैं। नहीं, अगर ये होता कि सभी जो जीन है सहलग्नता दर्शा रहे हैं, तो इसका मतलब फिर तो सेम टू सेम सारे के सारे गुण आ जाते हैं। जैसे पिताजी है माता है, सेम टू सेम हूबहू कॉपी आगे संतान की आ जाती फिर आगे। नहीं, कुछ जो जीन है वो सहलग्नता दर्शाते हैं और कुछ जो जीन है वो सहलग्नता नहीं दर्शाते। अब देखो बच्चों, अपने किताबी भाषा पढ़ी थी, अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि जब गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं तो वो जो जीन है साथ साथ जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो तो आगे चले जाते हैं, और जो नहीं जाते 50% है जो सहलग्नता नहीं दिखाते, तो वो क्या करते हैं? जब सेल डिवीजन होता है उस दौरान क्या है, वो पृथक होकर पुनर्संयोजित हो जाते हैं और वो गैमिट्स का निर्माण करते हैं। पुनर्संयोजित होने का मतलब है कि जो सेम गुण है वो नहीं है, वो फिर अलग दूसरे एलील के साथ मिलकर कोई नए गुणों का विकास करते हैं, तभी तो क्या अगली पीढ़ी में चेंजिंग करती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो 50% है वो सहलग्न जीन हो सकते हैं, सभी जो जीन है गुणसूत्र है वो सहलग्नता नहीं दिखाते, और जो असहलग्न जीन है वो सेल डिवीजन के दौरान पुनर्संयोजित हो जाते हैं, तभी तो गैमिट्स का निर्माण करते हैं। गैमिट्स का मतलब जैसे कैपिटल ए है वो स्मॉल ए के साथ संयोजित हो जाता है, कैपिटल बी है वो स्मॉल बी के साथ संयोजित होकर एक अलग गैमिट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अपने कल पढ़ रहे थे सहलग्नता लिंकेज, ये अपने पढ़ लिया था। वो एक वैज्ञानिक था थॉमस हंट मॉर्गन, उन्होंने क्या कहा था? सहलग्नता के बारे में बताया था। और नेक्स्ट एक वैज्ञानिक और हुआ था थॉमस हंट मॉर्गन और कैसल। इन दो वैज्ञानिकों, देखो अगर प्रश्न आता है कि सहलग्नता के बारे में किसने बताया, तो आएगा मॉर्गन। अगर आ जाएगा कि सहलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत किसने दिया था, तो अपने साथ में मॉर्गन के साथ में कौन सा वैज्ञानिक है? कैसल है। ठीक है, इन्होंने गुणसूत्री सिद्धांत में क्या बताया? अब आपको गुणसूत्री सिद्धांत है क्या, तो गुणसूत्री सिद्धांत की मुख्य चार ही बातें हैं। पहली बात यह है कि जो जीन ज़्यादा पास होंगे वो सहलग्नता अधिक दिखाएंगे। दूसरा, जो गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं वो रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। किस क्रम में पाए जाते हैं? रेखीय क्रम में पाए जाते हैं, तो सहलग्नता भी रेखीय होगी। तीसरा, इन्होंने बताया था जो सहलग्नता दिखाने वाले जीन है वो यानी संजात गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। चौथा, इन्होंने बताया था यानी कि जो सहलग्न जीन है वो अगली पीढ़ी में जाने के बाद भी साथ साथ रहते हैं। क्या रहते हैं? अगली पीढ़ी में जाने के बाद भी साथ साथ रहते हैं। तो ये चार मुख्य बातें हैं कि इसकी सहलग्नता के गुणसूत्र सिद्धांत की दिया किसने था? मॉर्गन और कैसल ने। नेक्स्ट अपने कल एक बात और पढ़ी थी सीस अरेंजमेंट। क्या पढ़ी थी? सीस अरेंजमेंट। तो वो क्या है, मैं थोड़ा रनिंग में आपको रिवाइज करवाता हूँ। सीस अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि जब संजात गुणसूत्र का मतलब यह होता है कि गुणसूत्रों पर जो समान गुणों के जो जीन पाए जाते हैं, ऐसे नहीं है कि सारे जो गुणसूत्र है वो संजात गुणसूत्र है, नहीं, ज़्यादातर जो गुण, मान लो दो गुणसूत्र है उनमें ज़्यादातर गुण समान है तो वो संजात गुणसूत्र है। तो सीस अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि संजात गुणसूत्रों के जोड़े पर जब संजात गुणसूत्रों के जोड़ों पर जब प्रभावी जीन उपस्थित है, क्या है? प्रभावी जीन उपस्थित है,
तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, सीज अरेंजमेंट कहेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, जब कोई सेलगन जीन के प्रभावी विकल्प, सेलगन जीन का मतलब समझात गुण सूत्र है उनके ऊपर जीन पड़े हैं, तो वो जो सेलगन जीन है उन पे क्या है प्रभावी एलील है, तो वो कंडीशन क्या होगी, सीज अरेंजमेंट होगी। दूसरी इसके अपोजिट थी ट्रांस अरेंजमेंट में क्या है कि दो समझात गुण सूत्रों पर जो सेलगन जीन पाए जाते हैं, जो उनके जो एलील है वो क्या है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कैसे अपोजिट, एक जो समझात गुण सूत्र है उस पर तो एक सिरा तो होगा प्रभावी का, एक होगा अप्रभावी का। इसी तरह से जो दूसरा समझात गुण सूत्र, समझात गुण सूत्र का मतलब है कि ये एक गुण सूत्र है और ये वाला एक गुण सूत्र है, ठीक है। तो ये सीज अरेंजमेंट है, इनमें तो देखो ये इस गुण सूत्र पे प्रभावी है, इस पे अप्रभावी है, ये कंडीशन तो होगी सीज अरेंजमेंट की। इसके अपोजिट है ट्रांस के अंदर क्या है, देखो ये समझात गुण सूत्र का एक गुण सूत्र है, इस पे एक तो प्रभावी है एक अप्रभावी है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं ट्रांस अरेंजमेंट कहते हैं। तो आपको इसमें क्या है घटना नहीं है, समझना है और ये याद आपके हो जाएगा। अब अपने देखते हैं बच्चों लिंकेज कितने प्रकार की होती है, लिंकेज कितने प्रकार की होती है। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ भी सभी जीन या गुण सूत्र सेलगनता नहीं दिखाते, ठीक है। तो इसी प्रकार सेलगनता दो प्रकार की होती है, एक तो होती है पूर्ण सेलगनता, क्या होती है पूर्ण सेल कंप्लीट लिंकेज, यानी कि जो सारे के सारे जीन हैं वो सेलगन हो गए और अगली पीढ़ी में चलेगी। दूसरा है अपूर्ण सेलगनता, क्या है इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब ये है कि जो गुण सूत्र पर जीन पाए जाते हैं वो जो नज़दीक होते हैं वो तो सेलगनता कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्या है अपने सेल डिवीजन के दौरान क्या है अपना पुनर्संयोजित हो जाते हैं और नए गैमेट्स का निर्माण कर लेते हैं। तो नए गैमेट्स का निर्माण का मतलब है कि वो सेलगनता नहीं दिखाते, उनमें नए गुणों का विकास होता है, तभी तो जब अगली पीढ़ी में जाएंगे तो कुछ एक तो गुण मिलेंगे अपने माता पिता के समान और कुछ नए, तो वो नए इसी वजह से अपने गुण मिलते हैं। तो सेलगनता कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। अब अपने पढ़ते हैं लिंकेज कंप्लीट लिंकेज, इस प्रकार की सेलगनता कम पाई जाती है। देखो बच्चों ये नहीं है कि 100% सारे जो गुण सूत्र है या जीन है वो सेलगनता दिखाते हैं, नहीं, इसलिए पूर्ण सेलगनता तो रेयर केस में ही पाई जाती है। इसमें सेलगन जीन पूर्ण रूप से अगली पीढ़ियों में स्थानांतरित वंशागत होती है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जो सारे के सारे जीन है वो सेलगन है, अगली पीढ़ी में चले गए परिवर्तन कहाँ से होगा, ठीक है। और कुछ इसमें से अगर बच गए कुछ तो सेलगन हो गए, कुछ जो परिवर्तन कर लिया तो वो अपूर्ण सेलगनता है, वो अभी देखते हैं। दूसरा है पूर्ण सेलगनता के एग्जाम्पल देखो, ड्रोसोफिला में दूसर शरीर, यानी कि ड्रोसोफिला में जो दूसर शरीर है वो सेम टू सेम ही अगली पीढ़ी में चला जाता है, इसका मतलब ये वैज्ञानिक मानते हैं कि इनमें क्या है पूर्ण सेलगनता पाई जाती है, पूर्ण यानी कि सारे जीन सेलगनता दिखाते हैं। नेक्स्ट है अवशेषी पंख तथा काला शरीर में लंबे पंख, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है आपको याद करने। नेक्स्ट है अपूर्ण सेलगनता, अपूर्ण सेलगनता का मतलब है इस प्रकार की सेलगनता अधिक पाई जाती है, ठीक है, ज़्यादा कौन सी पाई जाती है अपूर्ण सेलगनता, इसमें सेलगन जीन अर्धसूत्री विभाजन के दौरान अलग हो जाती है, ठीक है, यानी कि अपने मायोसिस के अंदर क्या है जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इस दौरान जो सेल जीन है वो अपने में परिवर्तन कर लेते हैं और नए गैमेट्स का निर्माण करते हैं, टूटकर पुनर्संयोजित हो जाती है जिससे विभिन्न नए विन्यास बनते हैं, इस प्रकार यह सेलगनता अपूर्ण होती है। तो आप क्या बोलोगे, इस प्रकार की सेलगनता अधिक पाई जाती है और जो सेलगन जीन होते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान टूटकर अलग हो जाते हैं और पुनर्संयोजित होते हैं, तो वो क्या है अपूर्ण सेलगनता है। पूर्ण सेलगनता क्या है, पूर्ण सेलगनता ये है जो गुण सूत्र पर जीन पाए जाते हैं सभी गुण सेलगन होकर अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन आप अपने माइंड से बना के एग्जाम में लिख सकते हो और बता सकते हो। अब ये अपूर्ण सेलगनता अधिक पाई जाती है क्योंकि जो अपने मनुष्य में हीमोफीलिया रोग है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये जेनेटिकली रोग है। जेनेटिकली कैसे है, जैसे मान लो अपने बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की, रंग वर्णांधता, उसमें क्या होता है भी माता पिता के अंदर तो एक्स वाई गुण सूत्र है, माता के अंदर एक्स एक्स गुण सूत्र है, तो जो ये कलर ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है जो माता का एक्स गुण सूत्र है वो इससे प्रभावित होता है, जो एक्स गुण सूत्र पे जीन पाए जाते हैं वो इस रोग से प्रभावी है, यानी कि जो उस पे जीन पाया जाता है उसमें वो रंग भेदने की क्षमता नहीं पाई जाती।
अब क्या होगा जब शुक्राणु अंडाणु मिलेंगे, जब युग्मनस बनेगा, तब क्या होता है जो माता वाला एक्स जाता है अपने जो पुत्र होता है तो उसमें कौन से उच्चतर आएंगे, एक्स वाई आएंगे। तो जो एक्स मिला वो कहाँ से मिला, माता से, और वाई मिला पिता से। अब जो माता से एक्स आया वो तो संक्रमित है कलर ब्लाइंडनेस से, तो इसका मतलब जो आगे संतान होगी, लड़का होगा, वो क्या होगा, जो ये रोग है इससे ग्रसित होगा। अब देखो ग्रसित हो गया, अब आगे जब पीढ़ी आएगी तो अगली पीढ़ी में ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो आगे से आगे जीन चेंज होते रहेंगे। तो दोबारा समझो, अपूर्ण प्रभाविता ये ज़्यादा पाई जाती है और मनुष्य में भी यही है, क्योंकि कई रोग है जो इसके अपूर्ण सहलग्नता के एग्जांपल है, जैसे हीमोफीलिया रोग है, हीमोफीलिया रोग है मतलब जैसे चोट लगी तो थक्का नहीं पड़ता, ठीक है। और ये ऐसे नहीं है कि कहीं अपने ये जीन की वजह से होता है, उसी प्रकार से कलर ब्लाइंडनेस रोग है एक, जिसमें व्यक्ति हरे और लाल रंग में भेद नहीं कर पाता, ठीक है, तो वो भी जीन की वजह से होता है और कोई बीमारी नहीं है, जस्ट ठीक है, तो उसका इलाज भी नहीं है। तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि जब अपने एक बार और समझो उसको, भी जब माता और पिता, माता से अंडाणु लिया जाता है, पिता से शुक्राणु लिया जाता है और युग्मनस बनता है। अगर लड़का हुआ तो लड़के में एक्स और वाई गुणसूत्र आते हैं, तो माता से तो एक्स एक्स गुणसूत्र है, पिता में एक्स वाई गुणसूत्र है। अब जो माता का एक्स गुणसूत्र है वो इस रोग से ग्रसित होता है और पिता से वाई आता है, तो जो नई संतान उत्पन्न हुई उसमें जो एक्स आया है वो इस जीन से संक्रमित है, तो इसलिए वो रोग अगली पीढ़ी में चला जाता है, लेकिन ये अगली पीढ़ी में फिर ये चेंज हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार मनुष्य में हीमोफीलिया प्रश्न पूछ लिया जाए, मनुष्य में हीमोफीलिया रोग है वो डैश डैश या किस की मतलब सहलग्नता पर आधारित है, पूर्ण सहलग्नता, अपूर्ण सहलग्नता या इनमें से कोई नहीं, तो अपूर्ण सहलग्नता। इसी तरह से रंगाधिकता की जीत मनुष्य में आरएच ब्लड ग्रुप या आगे पढ़ेंगे, जो मनुष्य में पूरा ब्लड ग्रुप है वो अपूर्ण सहलग्नता की वजह से ही ब्लड ग्रुप बनते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसने देर कहा मक्के में बीजों के रंग व आकार से संबंधित जीन आदि आपस में अपूर्ण सहलग्नता होती है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं जो लिंकेज है, सहलग्नता है, जो गुणसूत्रों पर जीन है वो आपस में साथ साथ जाते हैं, वो सहलग्नता है, वो सहलग्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से ऐसे कारक हैं जो वो सहलग्नता को प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक है जीन के बीच की दूरी, जीन के बीच की दूरी। मान लो कोई गुणसूत्र है उस पर जीन उपस्थित है, अगर वो जीन दूर दूर है तो सहलग्नता नहीं होगी। तो ये क्या कह रहा है, जीन के बीच की दूरी, अगर जीन के बीच की दूरी है वो प्रभावित करती है, और प्रभावित कैसे करती है, अगर जीन दूर दूर होंगे तो सहलग्नता कम होगी, अगर जीन पास पास होंगे तो सहलग्नता अधिक होगी। इसलिए जो प्रभावित करने वाले कारक है उनमें जीन के बीच की दूरी। तो देखो बच्चों, जो दो जीन्स के बीच की दूरी है वो सहलग्नता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, सहलग्नता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या चीज़ है, दो जीन्स के बीच की दूरी, दो जीन्स के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी सहलग्नता होने की क्षमता संभावना उतनी ही कम होगी, तथा दो जीन जितने पास पास होंगे सहलग्नता उतनी ही अधिक होगी। तो अब प्रश्न पूछ लिया जाए भी सहलग्नता दो जीन्स के बीच की दूरी के होती है, नीचे दे दिया अनुक्रमानुपाति, समानुपाति, व्युत्क्रमानुपाति, तो ये आंसर इसी तरह से कंपटीशन में प्रश्न बनते हैं, तो वो होगा व्युत्क्रमानुपाति। व्युत्क्रमानुपाति का मतलब है भी सहलग्नता अगर बढ़ेगी तो जीन्स की दूरी कम होगी, सहलग्नता कम होगी तो जीन्स की दूरी बढ़ेगी। ये आप देखो, ये दे रखो सहलग्नता व्युत्क्रमानुपाति एक बटा एक बाय जीन्स के बीच की दूरी। तो ये आपको मोस्टली याद रखना है कि जो सहलग्नता है वो जीन्स के दूरी के व्युत्क्रमानुपाति होता है, और व्युत्क्रमानुपाति का मतलब होता है एक दूसरे का अपोजिट, सहलग्नता बढ़ेगी दूरी कम होगी, दूरी बढ़ेगी सहलग्नता कम होगी, तो इस तरह से ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। दूसरा है प्राणी की उम्र, जैसे जैसे प्राणी की एज बढ़ती गई सहलग्नता बढ़ती जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एज आगे अपने पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर, उसमें बिल्कुल उल्टा है इसका, वहाँ पर प्राणी की जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी क्रॉसिंग ओवर कम होता जाएगा, यहाँ पे प्राणी की उम्र बढ़ रही है तो सहलग्नता बढ़ रही है, इसलिए ध्यान में। नेक्स्ट है तापमान, तापमान बढ़ने के साथ साथ लिंकेज भी घटती है, ठीक है, अगर तापमान बढ़ाएंगे तो सहलग्नता घटेगी। नेक्स्ट है एक्स विकिरण,
यानी कि कोई भी विकिरण है उसके प्रभाव से भी सहलग्नता प्रभावित होती है, कम होती है। ठीक है, तो अपने सहलग्नता को प्रभावित करने वाले चार कारक पढ़े थे। पहले थे जीन्स के बीच की दूरी, नेक्स्ट था मतलब एज, तीसरा था तापमान, चौथा था एक्स विकिरण, यानी कि कोई भी रेडिएशन है उसके प्रभाव से जो सहलग्नता है वो घटती है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर की। तो क्रॉसिंग ओवर, अब देखो जो अपने टर्म पढ़ी थी वो सारी की सारी पूरी बुक में, पूरे अपने जेनेटिक्स के अंदर वही काम आएगी। अपने पढ़ी थी क्रॉसिंग ओवर, तो अब आपके दिमाग में होना चाहिए क्रॉसिंग ओवर क्या है। संजात उन सूत्रों पर जो जीन पाए जाते हैं उनमें अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान ही क्रॉसिंग ओवर है। अब बात आती है संजात गुणसूत्र, मोनोक्रोमोसोम को होते हैं वे गुणसूत्र जो गुणों में जिनके गुण जो जीन है वो समान गुण वाले होते हैं। ठीक है, आप अपनी भाषा में भी आंसर दे सकते हो। संजात का मतलब होता है समान जात के गुणसूत्र, यानी कि जो अप्रोक्सीमेटली यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके गुण मिलते हैं वो संजात गुणसूत्र होते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, संजात गुणसूत्रों पर जो जीन है उनके मध्य अनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। देखो अगर सभी जीन सहलग्न होती तो प्राणी पीढ़ी दर पीढ़ी समान गुण रखते, अपने पढ़ गए। अगर सारे जीन सहलग्नता दिखाते हैं तो सारे प्राणी समान होते, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस कारण स्पष्ट है कि कोई प्रक्रिया परिवर्तन हेतु अवश्य होती है, यानी कि परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन है होता है तभी तो गुण अलग आते हैं जो नए गुणों का प्रदर्शन करवाते हैं। कोई ऐसा परिवर्तन है जो नए गुणों को प्रदर्शित करती है। इस प्रक्रिया को मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने क्रॉसिंग ओवर नाम दिया। मॉर्गन ने पहले क्या बताया था, लिंकेज के बारे में बताया। मॉर्गन और कैसल ने लिंकेज का गुणसूत्र सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर जो नाम है वो किसने दिया था, मॉर्गन ने दिया था। क्रॉसिंग ओवर वह प्रक्रिया है जिसमें दो संजात गुणसूत्रों के क्या है, संजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिव, क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिव। देखो बच्चों, मान लो ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है, ये संजात गुणसूत्र है, ये संजात गुणसूत्र है, तो जो ये है ये पाली है ये नॉन सिस्टर क्रोमेटेड है, क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटेड है। ठीक है, तो क्या बनेगी अपनी परिभाषा, दो संजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटेड के मध्य जो अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान है वही क्या है, क्रॉसिंग ओवर है। आदान प्रदान विधि में होता है उसे जीन का पुनर्संयोजन या रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन कहते हैं, पर वो परिवर्तन होता है और इस जो प्रक्रिया है उसको अपने क्रॉसिंग ओवर कहते हैं और यह अर्धसूत्री विभाजन के दौरान संपन्न होती है। ठीक है, अब देखो दोबारा गुणसूत्र अपने पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है, डीएनए आरएनए का पूरा चैप्टर है, सेल डिवीजन का पूरा चैप्टर है, एक बार ये पढ़ लेंगे उसके बाद वो चैप्टर पढ़ेंगे तो उनमें पूरा डिटेल आएगी। ठीक है, पूरी गुणसूत्र की स्ट्रक्चर आएगी, गुणसूत्र का संरचना आएगी, गुणसूत्र किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। लेकिन अब अपने क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं। संजात गुणसूत्र, संजात का मतलब दो गुणसूत्र है, दो गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिन, नॉन सिस्टर क्रोमेट का मतलब है भी मान लो दो गुणसूत्र है जो ये उनका जो पास पास वाली जो ये क्रोमेटिड है इनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं और एक गुणसूत्र है मान लो ये वाला और इसकी ये दोनों पाली क्या कहलाएगी, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएगी। तो पर्सन आए कॉम्पिटिशन में पर्सन बन जाता है मान लो कि संजात गुणसूत्र के किन गुणसूत्र मतलब क्रोमेटिड में क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है, नीचे दे दिया सिस्टर क्रोमेटिड, क्रोमेटिन, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, इस तरह से पर्सन बनते हैं। तो आपका आंसर होगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। संजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य जो आदान परिवार प्रदान होता है और आदान प्रदान होने के बाद में जो परिवर्तन होता है वो क्या है, क्रॉसिंग ओवर है और वो जो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होता है, अर्धसूत्री विभाजनों के दौरान होता है। ठीक है, तो अब देखो अब अपने बात करते हैं, ये आपके बुक में दिया हुआ है, ये एक गुणसूत्र है और ये दूसरा गुणसूत्र है, इनका जो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, अब ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का आदान प्रदान होगा, आदान प्रदान का मतलब है कि ये एक गुणसूत्र है, ये वाला मान लो एक गुणसूत्र है, तो जो ये है ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लेगा, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा और जो एक दूसरे के आदान प्रदान करने का जो स्थान है उसको क्या कहते हैं, काइजमेटा, क्या कहते हैं, काइजमेटा। आप ये मान लो दो गुणसूत्र है तो गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ये वाले क्या है, एक दूसरे के पास आएंगे और जिस स्थान पर मिलेंगे उसको क्या कहते हैं, काइजमेटा कहते हैं, क्या कहते हैं, काइजमेटा कहते हैं।
और ये होता कौन सा है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होता है। आगे पढ़ो, अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था देखो, अर्धसूत्री पढ़ेंगे, समसूत्री विभाजन पढ़ेंगे। समसूत्री विभाजन में तो चार अवस्था है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज तो है ही है, प्रोफेज की आगे फिर उप अवस्थाएं बांट देंगे तो अपने सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होता है, आपको याद रखना है। अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था प्रोफेज प्रथम क्रिया पूर्ण हो जाती है, प्रोफेज अवस्था में सारी कंप्लीट हो जाती है। अब क्या है, अर्धसूत्री विभाजन की आगे प्रोफेज की आगे उपअवस्थाएं हैं, उनमें अलग अलग परिवर्तन होता है, वो आगे बता रही है। इसमें जाइगोटिन एक उपअवस्था है, उसमें संजात गुण सूत्रों के जोड़े बनते हैं। उस अवस्था में क्या है, जाइगोटिन में तो सिर्फ संजात गुण सूत्रों के जोड़े बनेंगे। और पिकाइटिन अवस्था है, इनमें क्रोमेटिड आपस में एक दूसरे का स्थान चेंज करेंगे। देखो दोबारा समझो, अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। अर्धसूत्री विभाजन की चार मेन अवस्था होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब जो प्रोफेज है उसकी आगे फिर उपअवस्थाएं बांट दी जाती है, वो सेल डिवीजन में कंप्लीट पढ़ेंगे अपने। तो उसकी दो अवस्थाएं आपको याद रखनी है, जाइकोटीन। जाइकोटीन में तो क्या है, सिर्फ समजात गुण सूत्रों का निर्माण होगा। मान लो ये समजात गुण सूत्र है, इनका निर्माण हुआ जाइकोटीन में। अब अगली आई है पेकाइटीन। पेकाइटीन में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो एक दूसरे के पास पास आएंगे, और ये जो पास पास आएंगे और जिस स्थान पे मिलते हैं उसको काइजमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, काइजमेटा। वो किस में आएंगे, पेकाइटीन अवस्था में। इस स्थान को कियाजमेटा या काइजमेटा कहते हैं। ये संबंधित क्रोमेटिड के स्थानों से टूट जाते हैं। अब देखो ये एक दूसरे के ऊपर आ गए, अब यहाँ पर आने के बाद में ये एक दूसरे से टूट जाते हैं, जहाँ पर जुड़ते हैं उसे थोड़ा नीचे टूट कर एक अलग ही गुणसूत्र का निर्माण कर लेते हैं। ये संबंधित क्रोमेटिड इन स्थानों से टूट जाते हैं, इन टूटे हुए सिस्टर का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य आदान प्रदान विनिमय और ये क्रॉसिंग ओवर है। ऐसे जुड़े और पेकाइटिन अवस्था के अंदर ये टूट जाता है और ये क्या है, क्रॉसिंग ओवर है। टूटने का मतलब ये है ये अपने साथ कुछ हिस्सा ले गया, एक अलग जीव का निर्माण हो गया, तो ये जो प्रक्रिया है क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। तो इसके पश्चात जैसे जैसे विभाजन आगे, आपको पता है कुछ नहीं होती है, उनमें विभाजन होता रहता है, तो वो अपने प्रक्रिया बता रहे हैं। इसके पश्चात जैसे जैसे विभाजन आगे बढ़ता है तो सुगुण सूत्र के संपर्क व्यथात कियाजमेटा सिरे की तरफ बढ़ते हैं, अंत में गायब हो जाते हैं। ये आगे विभाजन होता है तो ये जो कियाजमेटा बनाया था ये धीरे धीरे सिरे की तरफ बढ़ता जाता है और लास्ट में अंत में लुप्त हो जाता है, लेकिन अपना जो जेनेटिक मटीरियल है वो उसको प्रदान कर देता है। तो ये सारी प्रक्रिया थी अपने क्रॉसिंग ओवर की, आप इसको पढ़ना अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। रटना बिल्कुल भी नहीं है, अपने को समझ समझ के करना है, क्योंकि रटा हुआ याद नहीं रहता, अपने समझते हैं तो वो याद आ जाता है। नेक्स्ट है, जैसे अपने पढ़ा था लिंकेज के अंदर प्रभावित करने वाले कारक, चार कारक पढ़े थे। मैं बार बार रिवाइज इसलिए करवाता हूँ ताकि आप दोनों को कंपेरिजन करके पढ़ो तो याद रह जाए, ठीक है। अब उसमें पढ़ा था अपने, पहला था मान लो जो जीव ज़्यादा पास पास होंगे तो उसमें सेलघनता ज़्यादा होगी, अगर एज बढ़ेगी तो सेलघनता बढ़ेगी, लेकिन तापमान होगा तो घटेगी। और चौथा अपने पढ़ा था भी जो अपने एक्स विकिरण है उनके प्रभाव से भी लिंकेज कम होती है। उसी तरह से क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक है क्रोमेटिड्स की लंबाई। क्रोमेटिड्स का मतलब होता है जो गुणसूत्र का एक पार्ट है वो क्रोमेटिड कहलाता है। जैसे मान लिया मैंने ये बनाया है तो ये जो एक पार्ट है या जो एक पाली है ये क्रोमेटिड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। अगर इसकी लंबाई ज़्यादा होगी तो क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा, क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा। इन्हीं भी गुणसूत्रों या क्रोमेटिड्स की लंबाई जितनी अधिक होगी उनमें उतने ही अधिक कियाजमेटा बनेंगे, उतने ही अधिक क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, समझ गए। तो यानी कि अपने बात कर रहे थे अभी क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला है क्रोमेटिड की लंबाई, अगर लंबाई ज़्यादा होगी तो उनमें जो क्रॉसिंग ओवर है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है कियाजमेटा निर्माण, कियाजमेटा निर्माण या काइजमेटा निर्माण। काइजमेटा आपको पता ही है, समजात गुण सूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के जो क्रोमेटिन है जिस स्थान पर मिलते हैं मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसको क्या कहते हैं, काइजमेटा कहते हैं। तो देखो एक स्थान पर बना हुआ काइजमेटा अपने समीप ही दूसरे निर्माण में क्रॉसिंग ओवर की संभावना को कम करता है। क्या कहते हैं, अगर मान लो एक स्थान पे काइजमेटा बन गया तो वो अपने साथ में क्या है, दूसरे काइजमेटा के निर्माण की संभावना को कम करता है।
ठीक है, क्योंकि एक बन गया ना तो दूसरा इसके पास में नहीं बनेगा, तो दूसरा कारक प्रभावित करने वाला काइजमेटा का निर्माण, एक काइजमेटा अपने पास में दूसरे काइजमेटा के निर्माण की संभावना को कम करता है। पहला पढ़ा था अपने क्रोमेटिड की लंबाई, अब तीसरा है जीन के बीच की दूरी, वहां पर क्या पढ़ा था, दूरी जितनी कम होगी सहलग्नता उतनी ज्यादा थी, यहां पर देखो क्या है, दो जीन्स के बीच में दूरी जितनी अधिक होगी क्रोसओवर की संभावना उतनी अधिक हो, याद रखने वाली बात है। वहां पर क्या था, जीन पास पास है सहलग्नता दिखाएंगे, लेकिन क्रॉसिंग ओवर क्या है कि जो गुण सूत्रों पर जीन पाए जाते हैं वो अगर उनके बीच में दूरी ज्यादा होगी तो क्या है, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, वहां पे तो जीन्स की दूरी कम थी, यहाँ पे जीन्स की दूरी ज्यादा थी, ठीक है। नेक्स्ट है गुण सूत्रीय बदलाव, जब गुण सूत्रों में जीन के सामान्य क्रम में बदलाव होता है तो क्रॉसिंग ओवर की संभावना कम हो जाती है, मान लिया गुण सूत्रों पर जीन है उनके अलग अलग क्रम है, अगर क्रम चेंज होगा तो गुण सूत्र की जो अपने क्रॉसिंग ओवर की है वो संभावना भी कम होगी। आगे सेंट्रोमियर का प्रभाव, जो जीन सेंट्रोमियर के पास स्थित होते हैं क्रॉसिंग ओवर कम दिखाते हैं, सेंट्रोमियर का मतलब है दो क्रोमेटिड आपस में गुण सूत्र किससे मिलकर बने होते हैं, क्रोमेटिड से मिलकर बने होते हैं, उनके चार भाग होते हैं, तो जो चार भाग जिससे जुड़े हुए होते हैं वो क्या है, सेंट्रोमियर है। अब देखो आपको बताता हूँ सेंट्रोमियर, ये जो पार्ट है ये सेंट्रोमियर है, क्या है, सेंट्रोमियर, जिससे क्या है गुणसूत्र के चारों क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो कहने का मतलब है भी जो जीन्स है सेंट्रोमियर के पास स्थित होंगे तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आयनों का प्रभाव, भी कुछ मतलब आयन है जिसके प्रभाव से जो प्रभावित करते हैं क्रॉसिंग ओवर वो इसमें दिया हुआ है, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम, उम्र वहाँ पे क्या पढ़ा था अपने लिंकेज के अंदर, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो लिंकेज है बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, उम्र बढ़ने के साथ साथ क्रॉसिंग ओवर कम होता है, उम्र बढ़ने के साथ क्रॉसिंग ओवर की संभावना कम होती है। लिंग, लिंग यानी कि सेक्स भी मेल है या फीमेल है तो वो भी क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करता है। आगे रासायनिक पदार्थ, कुछ रासायनिक पदार्थ है जो क्रॉसिंग ओवर को बढ़ाते हैं उत्प्रेरक के रूप में, तापमान वहाँ पे पढ़ा था भी, तापमान अगर बढ़ेगा तो लिंकेज कम होगी, यहाँ पे क्या है अगर तापमान बढ़ गया तो भी क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाएगी, और अगर तापमान कम हुआ तो भी क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाएगी, तो तापमान में क्या है ये आ गया। नेक्स्ट है विकिरण, विकिरण में क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाता है, वहाँ पे क्या है विकिरणों के प्रभाव में क्या था, संजात जो लिंकेज है वो कम हो रहा था, यहाँ पे विकिरण के प्रभाव में जो क्रॉसिंग ओवर है बढ़ रहा है, तो ये आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अभी जो आपके पेपर है यूनिवर्सिटी वाले उनमें मान लो नॉर्मल पेपर आ रहा है, जो बुक में आ रहा है, जो पढ़ रहे हैं उसी में से आएगा, लेकिन कंपटीशन में क्या है ये बातें आपके काम आएगी, इन्हीं दो सालों के जो आप पढ़ रहे हो इन्हीं में से पेपर पढ़ना होता है, तो वहाँ पे ये दे दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा कारक है जो क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित नहीं करता, नीचे मान लो एज दे दिया, सेक्स दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, एक कोई अन्य दे देगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा जो करवा दिया साथ साथ में याद करते रहो, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।